सुबह के नाश्ते के लिए आज मैं आपको अप्पम डोसे की रेसिपी बताऊंगी। लगभग 8 से 10 डोसे आप 10 मिनट में बना सकते हैं। तो इसमें ना तो हमने तेल का इस्तेमाल किया, ना घी का इस्तेमाल किया और ना ही बटर का इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं कितने जालीदार डोसे बने हैं। आप इसका पीछे का हिस्सा देख सकते हैं, कितना परफेक्ट ब्राउन स्पॉट इसके ऊपर है। ऐसे लग रहा है जैसे कि पैनकेक हैं। आप इस तरह से फोल्ड करें या फिर इस तरह से चूर करें, देखिए बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं, एकदम रुई की तरह मुलायम बने हुए, सॉफ्ट हैं। इसी के साथ मैं आपको टेस्टी नारियल की चटनी बताऊंगी, जिसे आप महीने भर तक स्टोर करके आराम से खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैंने यहाँ पे एक कप सूजी यानी कि रवा लिया है। इस रेसिपी के लिए आप कोई भी क्वालिटी की सूजी ले सकते हैं। तो ये जो सूजी है इसे हमें ग्राइंड करके लेना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम इसे डाल लेते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पे आधा कप दही लिया है, ये फ्रेश दही है, बट अगर आपके पास खट्टी वाली दही है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें मैंने दही लिया था उसी में मैंने आधा कप पानी भी लिया है, जिससे कि दही वेस्ट नहीं जाएगी, तो ये भी इसमें डाल लेते हैं। और हल्का सा इसे स्वीटनेस देने के लिए हम इसमें एक छोटा चम्मच चीनी ऐड करेंगे। अब हम इसे बंद कर लेते हैं और इसका एक अच्छा सा बैटर रेडी कर लेते हैं। और पीसने के बाद ये बिल्कुल डोसा बैटर होता है उसी की तरह नज़र आ रहा है, तो इसे अब हम बाउल में निकाल लेते हैं। इसे हमें इतना पीसना है कि जो सूजी के दाने हैं ना उसका पाउडर बन जाना चाहिए। और ये जो मिक्सी का जार है इसी में मैंने आधा कप और पानी ले लिया है, तो सारा बैटर अच्छे से क्लीन कर लेते हैं मिक्सी के जार में से, जिससे कि जो बैटर है वो वेस्ट ना जाए। पर ये हल्का सा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा और आधा कप पानी मिलाएंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो अब जो इसकी कंसिस्टेंसी है एकदम परफेक्ट है, इससे ज़्यादा हमें पानी इसमें ऐड नहीं करना है। तो अब हम करेंगे कि इसे ढक देंगे और एक 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, जिससे कि जो हमने सूजी इसमें डाली है वो सॉफ्ट भी हो जाए और हल्की फूल भी जाए। जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है हम इसके लिए एक अच्छी सी चटनी रेडी कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार लिया है, साथ ही में मेरे पास यहाँ पे एक कप गीला नारियल यानी कि फ्रेश कोकोनट है, जिसके मैंने पीसेस कट करके लिए हैं। आप चाहो तो यहाँ पे सूखे नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोकोनट को आप चाहो तो ग्रेट करके भी ले सकते हैं। साथ ही में मेरे पास यहाँ पे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ हैं, ये भी इसमें ऐड कर लेते हैं। आधा छोटा चम्मच के करीब साबुत ज़ीरा डालेंगे। 2 हरी मिर्च है जिसे मैंने कट करके लिया है। तीखापन जो है आप अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं, और हरी मिर्च की जगह आप यहाँ पे सूखी हुई लाल मिर्च भी ले सकते हैं। हल्के से खट्टे फ्लेवर के लिए मैं इसमें छोटे चम्मच के करीब टैमरिन यानी कि इमली ली है, इसका बीज मैंने निकाल दिया है। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे, आधा कप पानी डाल देते हैं, इसे ढक देंगे और अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चटनी पिसकर बिल्कुल रेडी है और मैंने एकदम इसे पतला रखा हुआ है और एकदम फाइन ग्राइंड किया है। इसके लिए टोटल मैंने यहाँ पे 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसे बाउल में निकाल लेते हैं। अगर आपको दरदरी चटनी पसंद है या सूखी चटनी ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें पानी की जो क्वांटिटी है वो कम डालें। तो चटनी तो एकदम मज़ेदार रेडी है, बट इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए और इसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम इसके लिए एक तड़का रेडी कर लेते हैं। गैस पे मैंने तड़का पैन चढ़ाया है, इसमें 2 से 3 चम्मच हम तेल डालेंगे। आज को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। चुटकी पर हींग डाल देते हैं। जैसे तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए हम इसमें 1 छोटा चम्मच उड़द दाल डालेंगे और इसे अच्छे से स्प्लटर होने देंगे। रोस्ट कर लेते हैं तेल में। उड़द दाल अच्छे से फ्राई हो गई है तो इसमें हम 1 छोटा चम्मच राई भी डाल देते हैं। राई भी अच्छे से स्प्लटर होने लगी है। यहाँ पे मेरे पास 2 सूखी हुई लाल मिर्च थी जिसे मैंने पीसेस में कट करके लिया है, लाल मिर्च इसे भी इसमें डाल देते हैं। हल्का से इसे फ्राई कर लेंगे और गैस को ऑफ कर देते हैं। गर्मा गर्म तड़के को चटनी के ऊपर डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ते का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहो तो कड़ी पत्ता भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो चटनी बिल्कुल बनके रेडी है, इसे हम साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे बैटर ने भी अच्छा खासा रेस्ट कर लिया है, 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब तक हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया था तो स्वादानुसार नमक डाल देते हैं और इसे हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसमें
एक पैकेट इनो का ऐड करेंगे। मैंने ये लेमन फ्लेवर वाला इनो लिया है, यानी कि फ्रूट सॉल्ट, इसे इसमें डाल देते हैं और एक से दो चम्मच इसके ऊपर पानी डालेंगे जिससे कि ये अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। आप देख सकते हैं पानी डालते ही इसमें कितने सारे बबल्स आने लगे हैं। अब हम इनो को इस बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इनो को जो है आप आखिर में ही डालें जब आपको डोसे बनाने हों। तो ये देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि इसमें कितने सारे बबल्स बन गए हैं। इसी बबल्स की वजह से हमारा डोसा जो है बहुत ही जालीदार बनने वाला है। तो बैटर बिल्कुल रेडी है। डोसा बनाने के लिए गैस पे मैंने पैन चढ़ाया है। आज को हम हाई फ्लेम पे ही रखेंगे। इस पे तेल, बटर या घी का कोई भी इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। एकदम प्लेन मैंने यहाँ पे पैन रखा हुआ है। तो पैन हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें हम एक चम्मच भर कर बैटर को डालेंगे। इसे बिल्कुल भी डोसे की तरह हमें फैलाना नहीं है, ये अपने आप ही अपना शेप ले लेता है। अब हम इसे इसी तरह से पकने देंगे। विद इन एक मिनट में हमारा पूरा डोसा बनकर रेडी हो जाता है। तो अब देखिए पूरी तरह से ऊपर से ड्राई हो गया है, ऊपर का बैटर अच्छे से सूख गया है। तो इसके ऊपर अब हम ढक्कन रखेंगे और एक आधे मिनट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देंगे जिससे कि ऊपर का भी जो बैटर है वो अच्छे से पक जाए। तो टोटल एक मिनट हो गया है। आधे मिनट के लिए हमने इसे खुले में पकाया था, आधे मिनट हमने इसे ढककर पकाया है। चलिए चेक कर लेते हैं। वाव, हमारा जो डोसा है बिल्कुल बनकर रेडी है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए कितनी सारी इसके ऊपर जाली बनी हुई है। इसी तरह से हम बाकी के डोसे भी रेडी कर लेते हैं। तो सुबह के नाश्ते के लिए बोलिए या फिर टिफिन के लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पे टोटल मैंने 10 डोसे बना लिए हैं। तो इसमें ना तो हमने तेल का इस्तेमाल किया, ना घी का इस्तेमाल किया और ना ही बटर का इस्तेमाल किया, उसके बावजूद भी हमारे जो डोसे बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हैं। एकदम जालीदार डोसे बने, हर एक डोसा एकदम अच्छे से पका हुआ है। आप इसका पीछे का हिस्सा देख सकते हैं, कितना परफेक्ट ब्राउन स्पॉट इसके ऊपर है। ऐसे लग रहा है जैसे कि पैनकेक हैं। आप इस तरह से फोल्ड करें या फिर इस तरह से चूर करें, देखिए बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं, एकदम रुई की तरह मुलायम बने हुए, सॉफ्ट हैं और खाने में तो उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार हैं। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, देखें कितना सॉफ्ट है। आप इन्हें जो नारियल की चटनी बनाई उसके साथ और साथ ही में सूखी चटनी के साथ इसका मज़ा लें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।